आपको रोटो के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मेरा फुटेज है, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा ट्रैक वगैरह और मोशन ब्लर एमडी वगैरह कैसे करते हैं। देखो ये हमारा आर्मी प्लेयर, मैंने शॉट प्ले किया, ये देखो मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा आपको समझने के लिए ओनली, इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं उसके बाद स्लॉट मेरे पास 5 है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने ओपन किया, उसके बाद हम सेशन सेव करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, जहाँ मेरे को पाथ देना है सेव करने के लिए वहाँ पे पाथ देते हैं। सपोज दैट मैंने डेस्कटॉप पे दिया मेरा स्क्रिप्ट बर्ड 10, उसमें मैंने मेरा आउट स्क्रिप्ट है उसके अंदर स्लॉट यहाँ पे जाके मैंने सपोज दैट वर्जन रोटो अंडरस्कोर जी सेव किया, उसके बाद इधर जाके डबल क्लिक करते हैं, इधर मेरा प्लेट आता है, डेस्कटॉप पे जाते हैं अपन लोग। उसके बाद मेरा जैसे इधर इनपुट है, इनपुट में गए उसके बाद अपने प्लेट लिया, उसके बाद हम कंट्रोल एन मारते हैं जिससे कि हमारा फुटेज का साइज डिफॉल्ट क्या मालूम है वो सेट करने के बाद, इधर ओके करने के बाद अब प्ले करते हैं। हमने शॉट को फॉरवर्ड करने के लिए एल दबाते हैं प्ले करने के लिए। सपोज दैट ये मेरा शॉट है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा समझने के लिए ओनली, ठीक है ना। कैसे काम करते हैं, अगर मेरा इधर व्यू में आउटपुट है तो उसको फोरग्राउंड करते हैं जिससे कि अपना सिस्टम थोड़ा इजी चले, अगर फोरग्राउंड रखते हैं तो अपने को आउटपुट मालूम चलता है उसका। से इसको हम जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें एक लेयर लेते हैं, न्यू लेयर लिया, ओके लेयर लिया। इधर देखो हमारा मोशन ब्लर का ऑप्शन उसमें जाके हम इसको इनेबल कर लेते हैं, अगर एमबी है तो, अगर स्टूडियो रोटो है तो डायरेक्ट नो एमबी लास्ट पिक्सल पकड़ते हैं। इसमें सपोज दैट मैंने इसका एग्जांपल इसका रोटो किया इसके टायर का, हमने रोटो किया सपोज, मैं आपको समझाने के लिए ओनली बता रहा हूँ कैसे करते हैं हम लोग रोटो। इधर ये एमबी कौन करते हैं, सेशन में जाने प्रेफरेंस में जाके अपना जैसे कितना टाइम पे रखना है ऑटो सेव केस फाइल, अपन को 90 रखना है जिससे अपना सिस्टम स्लॉट अच्छा चलता है ज़्यादा जल्दी, और उसके बाद इसको लीनियर लीनियर रखते हैं जिससे कि अपन को पिक्सल का मालूम चल जाता है पूरा हमारा पिक्सल क्या है। ये मेरा हो गया, इसको हम फोर्स से फ्रेश करके देखते हैं कि इसमें बीजी आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है। टी प्रेस करते हैं ट्रांसफॉर्म के लिए, उसके बाद सपोज दैट मेरे को अगर ट्रैक लग रहा है शॉर्ट तो मैं इसको कर शिफ्ट टी प्रेस किया, मौका ट्रैकर पे गया, और अगर मेरे को नॉर्मल मोशन ब्लर दिख रहा है तो मैं इसको शेयर को ऑन नहीं रखता हूँ। इसके बाद मैंने स्टेबलाइज किया, सपोज स्टेबलाइज के लिए वो साइड में एक आइकॉन रहता है उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद मैंने ये ट्रैक प्ले किया। यो सपोज दैट मेरा ये ट्रैक नहीं पकड़ रहा है ना, तो इसके लिए फिर से हम ट्राई करते हैं शेयर को ऑन करके,
कि ट्रैक क्यों नहीं ले रहा है। अभी मेरा ट्रैक बराबर पकड़ रहा है, सिखाना तो उसको अच्छा है। ओनली फॉर मैं 15 फ्रेम का ही बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखना मेरे को इसमें एमबी कहाँ, मेरा एमबी मैच नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि ये एमबी शॉट इतना है नहीं इसमें एमबी, तो इसके लिए मेरे को स्लो ट्रैक भी कर सकते हैं, लोगा ट्रैक भी कर सकते हैं, और अपने सर का चॉइस होता है अलग अलग, और कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एमबी अगर हमारा मैच नहीं है तो हम डिफॉल्ट मिड में रखते हैं, कभी कभी हम ब्लैंक भी दे सकते हैं यहाँ पे, सपोज दैट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सपोज दैट मैंने इस पे ब्लैंक 2 दिया, तो अपन देखते हैं इसमें मैच हुआ ना एमबी, तो अपन मैच है ना अपना एमबी, ये अपना एमबी हो गया, इधर ये हमारा हार्ड एज हो गया। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा एमबी मेरा बाहर जा रहा है, इसलिए इसको 1.5 ब्लैंक दे देते हैं, क्योंकि अपना एकदम बराबर एक्यूरेट मैच हो जाता है मुझसे। इसके बाद इसको पूरा देखते हैं हमारा किधर प्रॉब्लम हो रहा है, और जाके प्रॉपर इसको ठीक करते हैं। ये हमारा एमबी मैच हो गया इसमें, इसमें हम ब्लू में, रेड में, ब्लैक में, जिसमें चेक करते हैं बेटर रहता है रेड, रेड चैनल में चेक करते हैं, तो अपन हम लोगों को पूरा एमबी मालूम, हमारा कितना श्रिंक हो रहा है, एमबी कितना बाहर जा रहा है, वो सब कुछ मालूम चलता है इसमें, ऐसा रेड में। ये हमारा ट्रैक हो गया पूरा, इसको स्टेबलाइज को ऑफ करके भी चेक करो एक बार, जिससे कि कहीं कहीं ट्रैक में जटर रहता है, एक एक नंबर हो गया ना। इसके बाद सपोज दैट मेरे को ये पूरा उसका रोटो बनना है, स्क्रिप्ट का पूरा रोटो करना है इसका। सपोज दैट मैंने इसका ये रोटो किया, अपना रोटो एकदम एक्यूरेट है, उसके बाद मेरे को पूरा रोटो करना है इसका। सपोज दैट मेरे को एक इधर नया लेयर लेते हैं, न्यू लेयर, न्यू लेयर लेने के बाद हमको इसका रोटो करना है। सपोज दैट TFX में मेन चीज होता है सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन किया जाता है, जितना अच्छा ब्रेक डाउन होगा उतना ज्यादा आपका आउटपुट अच्छा आएगा। बोलो ब्रेक डाउन क्या है एक्चुअली, ब्रेक डाउन क्या है बोलो। ब्रेक डाउन होता है जैसे अपन पॉली बनाते हैं ना, सपोज दैट अपन बीजर लेके ब्रेक डाउन करना, जैसे सपोज दैट ये मेरा पार्ट बाय पार्ट सबको डिवाइड करना, ठीक है ना, कंट्रोल उससे अच्छा। थोड़ा अपन को कभी दिक्कत होता है, जैसे सपोज दैट हम रोटो करते चले गए, सपोज दैट हमारा शेप चेंज हो जाता है, अगर हमने एक शेप में लेते हैं तो फिर क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इससे अपना काम पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए हम ब्रेक डाउन ब्रेक बाय एवरी पार्ट का अलग अलग सेपरेट सेपरेट ब्रेक डाउन करते हैं। प्रेस करके देखते हैं कि हमारा इसके अंदर बीजी कितना आ रहा है, अगर एमबी में बीजी है प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
टू एंड वन प्रेस करते हैं, सॉकेट की टू एंड फोर, टू से फोर ग्राउंड हो जाता है और फोर से अपना कंपोजिट हो जाता है आउटपुट। उसके बाद हमने ये किया, उसके बाद हम देखते हैं ये ट्रैक में जाता है नहीं जाता है, जैसे वही सेम फॉर्मूला जैसे स्टार्टिंग में किया था वही सेम फॉर्मूला। इसमें हमारा रोटो भागने का रीजन ये है कि इसका मूवमेंट सेपरेट सेपरेट है, इसको इस वजह से इसको सेपरेट लेयर में डाल के इसका अलग से ट्रैक करना होगा, इसका हमको अलग से ट्रैक करना होगा। डब्ल्यू दबाने से क्या होता है, अपन इसको रोटेट करते हैं, इधर मैंने प्रेस किया और इधर मैंने एंकर पॉइंट रख के डब्ल्यू प्रेस किया तो इधर ये पूरा होता है रोटेशन करने के लिए। मेरा दिख रहा है जैसे एम बी मेरा बाहर मैच नहीं है, चेक किया मैंने, इसको थोड़ा छेड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा होना मैच। उसके बाद वो देखो हमारा एम बी कहाँ कहाँ मैच नहीं है और इसके बाद हम स्टेबलाइज ऑन करके चेक करते हैं, इससे कि हमको मालूम चलता है स्लाइड वगैरह क्या है, उस सब कुछ मालूम चल जाता है कि हमारा अल्फा होता है। इसमें चेक करते हैं कि हमारा पॉइंट वगैरह स्लाइड इंक्लूड है, सब कुछ मालूम चलता है। अल्फा चेक करने के लिए जैसे ब्लैक पॉइंट्स वगैरह आता है वो सब कुछ मालूम चलता है इसमें। इसके बाद मैंने ये बुरा हो गया, इसके बाद जितना बी एफ एक्स में मेन रूल क्या है, जितना ब्रेक डाउन करेगा उतना अच्छा आउटपुट आएगा। ये लग कर देना, ये लग कर
बाकी मतलब ये करते हैं और फिर जब एंड मार्केट दिखा देने के बाद फिर न्यूज टू फाइनल होता है न्यूज से ना वो दिखा दें फाइनल दिखा दें न्यूज से एक फाइनल न्यूज से हो जाएगा ना पाँच मिनट कर ले उसका फिर बोला मैं हो गया मैं इतना ही दिखाता हूँ आपको तो उसके बाद फिर मतलब दिखाई नहीं होता फाइनल जैसे लाइफ को ना कैसे वो तो मतलब ठंडा मारते किसने लिप को मारते यहाँ मारते यहाँ मारते हैं वही दिखाए हाँ बात यहाँ तक लास्ट मतलब एक फ्लो रेडी कर लेना मतलब जितने अच्छे लगे फ्लो रेडी मैं रहा ना पंद्रह मिनट कर दो ये मत कर सिर्फ इसी एरिया में कर लिया इसी कर लेंगे एक फ्लो बन जाएगा शॉर्ट कैसे इसका खाने ना प्योर तो ठीक ही करते हैं ऑन करने से क्या होता है सपोज दैट मैं कोई पॉइंट ऐड करता हूँ और उसको इधर उधर मूव करता हूँ तो वो सेम जैसा है वैसा है भी सेम हो जाता है सेम सपोज दैट मेरा अगर भाग गया तो मैं इसको आराम से एडजस्ट कर सकता हूँ
सपोज जब मेरा अगर पैर शॉर्ट है तो उसमें टेंजेंट से नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, अगर टेंजेंट छेड़ते हैं तो अपना जैसे सपोज दैट मैंने इसको ए फ्रेम पे इधर किया, इस पे गया तो देखो मेरा स्लाइडिंग पूरा मालूम चलेगा। इस वजह से वर्टेक्स बिल्कुल भी नहीं खेलना, ओनली फॉर ट्रांसफॉर्म रोटेशन ओनली बस। उसके बाद इसका फोर दबा के चेक करो, उसमें बीजी तो नहीं आ रहा इतना। अगर एमबीओ बीजी है तो प्रॉब्लम नहीं है, सपोज मेरा एक तरीके से अच्छा रूट होगा, आउटपुट अच्छा आया वो जब मैंने चेक किया तो। उसके बाद देखता हूँ अपना इसका आउटपुट लाते हैं, म्यूजिक पर जाने जाते हैं, ये सिलेंडर कैसे करते हैं, कैसे भेजते हैं। अरे इसका पूरा कर लिया इतना काफ़ी ना, अभी ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक फाइनल क्या रहता है इसका सपोज मेरे को ये एक लेयर में लेना है, इसका नेमिंग क्या है सपोज मेरा स्केट बोर्ड है इसका नाम सपोज कुछ भी नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप हुआ है स्केटबोर्ड है। ओके उसके बाद सेव वर्जन अप किया, वर्जन अप करने के लिए फाइल में जाके सेव एस वर्जन टू। ओके कभी अब सपोज दैट मेरा स्लॉट क्रैश कर जाता है तो इसलिए 10 मिनट 20 मिनट अपना और बार वर्जन अप करते रहना चाहिए, जिससे कि अपना वर्क ज़्यादा नहीं जाता। एंटर करने के लिए कंट्रोल आर, सपोज मेरा डेस्कटॉप पर एंड्रॉय है, मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, मेरा पाथ है स्केट बोर्ड के अंदर, सपोज मैंने ऑन किया इसको, मेरा ये आउटपुट है, यहाँ से मैंने इसका पाथ कॉपी किया। बस यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ स्केट बोर्ड। ओके यहाँ से मैंने इसका पार्ट कॉपी करके अपन यहाँ से कॉपी किया, इसके बाद मैं डायरेक्ट अपना जो फाइल वहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर मैंने इसका पार्ट पेस्ट किया, स्विच किया। उसके बाद मेरे को रेंडर कैसे करना है, अगर मेरे को टिप रेंडर चाहिए तो मेरे को यहाँ पर टिप करना है, टिप किया। इसके बाद कलर को छोड़ दो क्योंकि मेरे को कलर नहीं चाहिए, ओनली फॉर अल्फा न्यूज में लेके जाते हैं अल्फा। उसके बाद ओके बाकी कुछ करना नहीं है, कंप्रेस करना है अपन को इधर, और इसका नेमिंग क्या है मेरा, यहाँ से नेमिंग कॉपी किया पेस्ट किया अंडरस्कोर रोटो 81001। इसके बाद अप्लाई करते हैं, फिर से कंट्रोल आर क्लियर रिव्यू, इसमें मालूम चलता है कि मेरा कोई फ्लैंक सेप तो नहीं है, कोई सेप उड़ तो नहीं रहा है। अगर मेरे को वर्क रेंज करना है ना ओनली इधर जाओ पूरा वर्क रेंज का आपका, जैसा कोई दैट मैंने रेंडर किया ओनली रेंडर करना है मेरे को, मेरा इनपुट है 24 फ्रेम, मेरे को रेंडर करना वर्क किया है मैंने 1 से 15 फ्रेम, तो इसके लिए मेरे को वर्क रेंज सेट करके रेंज में जाके उसके बाद अप्लाई किया और रेंडर करते हैं, मेरा रेंडर होना स्टार्ट हो गया, रेंडर हो गया। इसके बाद मैं अपना रेंडर चेक करता हूँ मेरा, हाँ ओके मेरा रेंडर हो गया। इसके बाद मैं आर्मी में प्ले करता हूँ, आर्मी में प्ले किया, इसके बाद मैंने चेक किया कि मेरा ओके है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। अब फिर मैं नेक्स्ट टाइम में आपको और अच्छे से समझाऊंगा थोड़ा भी स्टार्टिंग। अब इसके बाद आउटपुट हुआ, मैं इधर इसमें जाके न्यू ओपन करता हूँ, लास्ट
पूरा फाइनल ऑर्डर से मिस्टर को इस फाइनल ऑर्डर से काम करें ठीक है नाम बताएं आपको मैडम नाम कुमार मान मैं इनपुट लेता हूँ मैंने इनपुट ड्रॉप किया इसके बाद वन प्रेस किया मुझे लाने के लिए मैं फिर से सेट करता हूँ प्रोजेक्शन सेट प्रोजेक्ट सेटिंग करने के बाद बाद में मैट ले गया था ले गया है उसके बाद मैंने घर करने के काफी लर्स लगाया उसके बाद मेरा आउटपुट क्या ये अगर मेरे को ओनली वन मैट चाहिए इसके लिए मेरे को क्या करना है आर जी बी ए बोले तो मेरे को रेड मैट चाहिए ओनली रेड मैट के लिए एम प्रेस करते हैं तो मेरा ये रेड मैट आ गया अब इसके बाद मैं चेक करता हूँ अल्फा ए दबा के बीच में जाके एम से मेरा मैट आता है और ए से अल्फा आता है ओके ना ये मेरा मैट अब मेरे को फ्रेम रेंज मेरा टोटल कितना है 15 फ्रेम है तो इधर मैं इसको लॉक कर देता हूँ प्ले करता हूँ प्ले करके देखता हूँ बड़ा क्या साफ सुथरा या क्या जीवी उसकी मांग बहुत बड़ा काफी है इसके बाद अभी मैंने रफ्त आया अभी मैं आगे नेक्स्ट में कोई भी अपना प्रोजेक्ट डालता हूँ कि तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा हुआ ठीक है ना अच्छा मुझे मिलता हूँ ठीक है एम बी में और अच्छे से सिखाऊंगा मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ ओके उसके बाद मैंने इधर आउटपुट चेक किया इसके बाद मेरा कुछ भी आउटपुट में प्रॉब्लम है चेक करो देख लो एम बी के अंदर पर अभी प्रॉब्लम है तो उसको पता नहीं सुबह अपने जाकर चेक कर सकते हैं अभी कैंप चेक करो नेक्स्ट मंथ ये मेरा इधर 15 फ्रेम पे और 16 फ्रेम है जी मेरा ओनली कम बैक 15 फ्रेम होगा मैं लुक किया इसको प्ले किया चेक करो मेरा बेनिफिट किया उसके बाद ये मेरा फाइनल हो गया उसके बाद उसको रेंडर करने के लिए मेरा आ रहा है जिसमें उसमें ब्राइट लगाता हूँ ब्राइट लगाया उसके बाद मैं इसमें आर जी बी ए करता हूँ जिससे मेरा आर जी बी ए बोले तो रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा ये होता है हमारा टिफरेंडर के लिए टिफरेंडर के लिए आर जी बी ए 3 मैट आता है 4 अल्फा इसके ये फाइनल रेंडर है यहाँ पे जाके मेरे को ये इसका पाथ किधर आउटपुट पाथ फाइनल इतना भी मैथ है अपने मैथ डाल के उसके बाद
मैट्स हो गए। अब मैं देखता हूँ ये मेरा मैट्स किसका है, नाम नेम क्या है उसका मैट्स के। इसका मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और फिर मैं आपको रख बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको पास में कर मेरे को एंटर करना है कौन सा करना है, टी करना है, एक्स आर करना है और एस डॉट तो फिर स्लॉट से भी मार सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। बट थोड़ा आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, उसमें डी एक्स आर एंटर होता है। इसके बाद मैं आउटपुट में जाता हूँ, मैंने जो रेंडर किया है वहाँ से देखते हैं मेरा आउटपुट कैसा आया है।